की बदहाली की, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई जो ये बयां कर रही है कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चकाचक है, खुद ही देखिए। तस्वीरें यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली खुद बयां कर रही हैं, हकीकत बता रही हैं, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री को आईना दिखा रही हैं और ये बता रही हैं कि कागजों पर स्वस्थ दिखने वाली व्यवस्था हकीकत में कितनी बीमार है। तस्वीरें यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर वो करारा तमाचा है जिसके बेहतर होने का दम सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भरते हैं। तस्वीरें चीख चीख कर बदहाल सिस्टम की गवाही दे रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी, अगर आप भारत समाचार देख रहे हो तो देख लीजिए और समझ लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए कि जिन जिम्मेदारों को आपने सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर करने की जिम्मेदारी दे रखी है वो कैसे आपके आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पहली तस्वीर हरदोई जिला अस्पताल की है जो पूरे सूबे को शर्मसार करने के लिए काफी है। हालत इस कदर बदतर है कि मरीजों को ले जाने के लिए ना एम्बुलेंस है ना स्ट्रेचर। तीमारदार अपने कंधे पर मरीज को ले जाने को मजबूर हैं। अस्पताल के भीतर मरीज के एक हाथ में ग्लूकोज चढ़ रहा है और दूसरे हाथ में वो खुद ग्लूकोज की बोतल पकड़े है। और तो और, अस्पताल के भीतर मरीज को बेड में शिफ्ट करने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं है। पिताजी हैं और मैं पिताजी को अपने जिला अस्पताल में लेके आया था, तो इमरजेंसी में बहुत सीरियस तबीयत है, तो मैं इमरजेंसी में स्ट्रेचर मांगा तो स्ट्रेचर कहा है खाली नहीं है, तो मैं गोद में लेके वार्ड में आया। मरीज संगे संदीप ले जा रहे हैं, वैसे ऐसा होता नहीं था, स्ट्रेचर पर्याप्त मात्रा में है, मरीज स्ट्रेचर ले जाया जा रहा था। अब मैं इसको तुरंत अभी दिखाता हूँ और देखता हूँ मरीज संदीप को ले जा रहे हैं, स्ट्रेचर की उपलब्धता वैसे रहती है, क्यों स्ट्रेचर नहीं मिला। अब जरा बलिया जिले से आई इस तस्वीर को देखिए, ये हकीकत है बलिया जिला अस्पताल। तीमारदार अपने परिजन को गोदी में ले जा रहा है, अस्पताल के गेट पर न कोई वार्ड बॉय है और न ही स्ट्रेचर। मरीज को उसके तीमारदार के मजबूत कंधों का ही सहारा है। मामले पर सीएमओ से लेकर सीएमएस तक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इमरजेंसी कैसे लाए आप टांगो गोद में टांगे, स्ट्रेचर नहीं मिला आपको। तीसरी तस्वीर शामली की है जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के दावों की हकीकत बता रही है। बीमार मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए एक अदद एम्बुलेंस तक मयस्सर नहीं हुई। मजबूरन परिजन ठेले पर मरीज को अस्पताल लेकर पहुंचे। एम्बुलेंस के लिए फोन करने पर एम्बुलेंस ना होने का हवाला दिया गया। इतना ही नहीं, अस्पताल पहुंचे मरीज को डॉक्टर ने अस्पताल से बिना इलाज किए भगा दिया। बात बढ़ी तो बेशर्म डॉक्टरों ने दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। इस कमरे में जाओ, का जी समझ जाओ। अच्छा, इलाज नहीं कर रहे? नहीं, इलाज नहीं कर रहे, ना करे मेरा टले जाओ। यहाँ कोई इलाज नहीं कर रहे? नहीं, यहाँ तो पर्ची पे दवाई लिख कर देती हूँ, बिना देखे ना कुछ। सरकार भले ही सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन अधिकारियों की मनमानी और कर्मचारियों की उदासीनता सरकार के मंसूबों पर पलीता लगा रही है। भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों पर कब और कैसी कार्रवाई होगी, इसका हम सबको इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इसी बीच